सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा यदि आपकी गूगल फोटोज से कोई फोटो डिलीट हो गया है तो उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हो, उसे आप कैसे वापस ला सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा, आप देख रहे हो राजा कनौजिया चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप सभी को बताते हैं कि यदि आप अपने गूगल फोटो से जो फोटो डिलीट किया है वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या दोस्तों 5 से 10 साल भी हो गया होगा, तब पर भी आप उस फोटो को रिकवर कर सकते हो, आप उस को वापस ला सकते हो। वो कौन सा ट्रिक है दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीक करोगे, स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर कमेंट करोगे भैया ये वीडियो गलत है और रॉन्ग है, जैसा कि अन्य के वीडियो पर दिखाया जाता है और कमेंट में दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब के इस टॉपिक के बारे में कि गूगल फोटो से कैसे फोटो वापस लाया जाता है, कैसे रिकवर किया जाता है। दोस्तों जो यूट्यूब पर एक ही टॉपिक में सभी बंदे वीडियो बनाए हुए हैं, वो टॉपिक क्या है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो सोल्यूशन है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों जो YouTube पर एक सोल्यूशंस का है, सभी लोग इसी सोल्यूशंस में वीडियो बनाए हैं कि आप क्रोम ब्राउजर पे जाइए और वहां से आप लोग photos.google.com पे जाइए और अपना जीमेल आईडी लॉगिन करिए। उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप अपना जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका पुराना से पुराना फोटो, साल दो साल फोटो पुराना फोटो, वो आपका फोटो जो है रिकवर हो जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन जो दोस्तों सरासर गलत है इसमें, दोस्तों क्या होता है मैं एक तरीके से एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जिस तरह से दोस्तों आपके मोबाइल में फेसबुक है, ठीक है, ये आप फेसबुक एप्लीकेशन चलाते हो, यदि आपके मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ना हो तो आप किस में चलाओगे, क्रोम ब्राउजर पे फेसबुक एप्लीकेशन चलाओगे कि क्रोम ब्राउजर से इंस्टाग्राम चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, अन्य चीज़ भी चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपके मोबाइल में गूगल फोटो का एप्लीकेशन नहीं है तो आप क्रोम ब्राउजर से गूगल फोटो का को चला सकते हो, बस यही माध्यम है दोस्तों। इससे कोई फोटो रिकवर नहीं होता है, ना आप इससे कोई फोटो रिकवर कर सकते हो मेरे भाई। आप सभी को बस ये भ्रम है कि दोस्तों मैं गूगल फोटो पे जाऊंगा फोटो रिकवर हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप अपना फोटो जो है कैसे रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों रिकवर करने का एक ही तरीका है, जब आप गूगल फोटो से आप फोटोज डिलीट करते हो तो 60 दिन का टाइम मिलता है। ये नियम मैं अपने से नहीं बनाता हूँ मेरे भाई, ये नियम गूगल जो है फोटोज जो है वो खुद ही नियम बताता है। यदि आप अपना फोटो आज जैसे आज डिलीट किए, आज से 60 दिन बाद दोस्तों यदि उस फोटो को आप रिकवर करना चाहते हो तो कभी ज़िंदगी में उस फोटो को आप रिकवर नहीं कर सकते मेरे भाई। जैसे आज मैंने अभी फ़ोटो डिलीट किया, यहाँ पे वीडियो में चला देता हूँ आप लोग देख लीजिए। जैसे आज मैंने कोई जो है फ़ोटो या वीडियो डिलीट किया, ठीक है, वो किस में जाएगा, ट्रेस में जाएगा, मतलब कि दोस्तों रिसाइकिल बिन में जाएगा। और रिसाइकिल बिन में वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है ये जो फ़ोटो है ओनली 60 दिन इस जो ट्रेस है और रिसाइकिल बिन है उसमें रहेगा। यदि 60 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये जो आपका फ़ोटो है और ये वीडियो है ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। दोस्तों रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपने अभी एक महीना पहले फ़ोटो डिलीट किया है तो आप जाइए रिसाइकिल बिन में, आप जाइए ट्रेस में, रिसाइकिल बिन एंड ट्रेस दोनों एक ही होता है दोस्तों। आप जाइए रिसाइकिल बिन में, वहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो मिल जाएगा। यदि 60 दिन का कम टाइम, यदि 60 दिन के अंदर आप कोई फ़ोटो डिलीट किए हो तो आप उसे रिकवर कर सकते हो, अन्यथा दोस्तों आप रिकवर नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, फ़ोटो रिकवर करने का जीमेल आईडी से कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई ब्रह्मास्त्र बता सकता है, ना कुछ हो सकता है। दोस्तों कंप्यूटर की बात अलग है और मोबाइल की बात अलग है। दोस्तों बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मोबाइल रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने का क्या होता है, मतलब दोस्तों आपके मोबाइल का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। आप जिस अवस्था में मोबाइल खरीदते हो उसी अवस्था में आपका मोबाइल हो जाता है। तो दोस्तों जब आप उसमें जीमेल आईडी अपना लॉगिन करते हो तो आप लोगों को बैकअप करना चाहिए। जीमेल आईडी जैसे लॉगिन किए और गूगल फोटो पे जाओगे तो वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आता है, आप लोगों को बैकअप करना चाहिए। यदि दोस्तों मान लीजिए आपने बैकअप नहीं किया, आपने भूल गया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप भूल गए, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सेटिंग में जाके उस जीमेल आईडी को रिमूव करना है, फिर से लॉगिन करना है। फिर से लॉगिन करते समय आपके सामने जब आप गूगल फोटो पे जाओगे तो आप वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन फिर से दिखेगा, आप लोगों को उस फोटो को बैकअप करना है। यदि दोस्तों आप बैकअप नहीं करते हो तो आपका फोटो रिकवर, मतलब दोस्तों रिकवर नहीं होगा और दोस्तों वो फोटो डिलीट भी नहीं होगा, वो फोटो आपके जीमेल आईडी पे रहेगा, जब आप उसे बैकअप करोगे आपका फोटो आ जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।